भैया गुस्सा बहुत जरूरी चीज है। जीवन में कुछ करिए चाहे ना करिए, गुस्सा जरूर करिए। गुस्सा है तो जीवन है। लेकिन भैया अगर नई नवेली दुल्हन भरे स्टेज में गुस्सा हुई जाए, तब तो समझिए दूल्हे का बेड़ा गर्क, मतलब बेड़ा पार है। हाँ तो आगे बढ़ें इससे पहले अपना ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो भैया हुआ यूं कि शादी की रस्में धूम धड़ाके से चल रही थी। बाराती डीजे फ्लोर पे काचा बादाम खाने में जुटे थे, तो घराती आवभगत में डटे थे। दूल्हे राजा टकटकी लगाए अपनी दुल्हनिया का इंतजार कर रहे थे। दुल्हन भी ब्यूटी पार्लर से सज धज के डायरेक्ट स्टेज पे जा पहुंची। दुल्हन को सामने देख के दूल्हे राजा का दिल एकदम से कुलबुलाने लगा। एकदम बेसब्रे हुए जा रहे थे। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था सिवाय एक चीज के। What? असल में दुल्हन का मूड कुछ ऑफ लग रहा था। मूड जो ऑफ था सो था ही, गुस्से के मारे चेहरा भी तमतमा रहा था। What the fuck? पहले तो दूल्हे मियां सोचे कि शायद मेकअप गड़बड़ा गया, लेकिन जब दो चार बार गौर से देखे तो बेचारे सहम गए। दूल्हे राजा प्यार से लड्डू खिलाने की कोशिश किए तो मैडम और गुस्सा आ गई। लड्डू हाथ में लिया और गुस्से के मारे फेंक दिया। इनका गुस्सा देख के बेचारे लड्डू के परखच्चे उड़ गए। भैया मैडम का ये रूप देख के सब सन्न रह गए। दूल्हे मियां यहीं अपना भविष्य देख लिए। लेकिन अब उनके पास अपना हाथ रगड़ने के अलावा कौनो चारा भी नहीं था। लेकिन दुल्हन की शराफत देखिए, इतना सब हो जाने के बाद भी अपने होने वाले पतिदेव को अपने निजी हाथों से पानी पिलाने लगी। लेकिन अब पतिदेव फैल गए, गिलास को दाएं हटा के मुंह बाएं तरफ घुमा लिए। बस भैया मैडम का टेम्परेचर सरसरा के थर्मामीटर फाड़ गया। आओ देखा न ताओ, बस दे मारा गिलास सामने खड़ी पब्लिक पे। तो भैया दूल्हे राजा अपने फ्यूचर का ट्रेलर देख ही लिए हैं। अब समझ लीजिए कि जब ट्रेलर इतना फाड़ू है तो पिक्चर तो गर्दा उड़ा देगी। बाकी आपको आज की झक पसंद आई हो तो फौरन वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। आप सुन रहे थे मिस्टर झक्कीलाल, जो बातों बातों में कर देते हैं लाल। इनकी बातों का अंदाज है निराला। सुनते रहिए हाथ में लेके चाय का प्याला। चलते हैं, कल फिर होगी मुलाकात। तब तक लड़ाते रहिए झक।